तो स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, हमें क्या करना है, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेने हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मैंने बताया था, अभी हम जस्ट क्वेश्चन करते आ रहे हैं। ठीक है, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स है ना, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर हमारा वन नंबर वी एक्स है तो सेकंड नंबर क्या होगा, ये इसका मतलब होता है यही सेम है। ठीक है, सेकंड नंबर क्या होगा, एक्स प्लस वन होगा। इसके बाद थर्ड नंबर क्या होगा, एक्स प्लस टू। ठीक है, थर्ड नंबर एक्स प्लस टू होगा। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमें मिल गए ना, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर पहले एक्स है, दूसरे एक्स प्लस टू हो गया, तीसरा क्या होगा, एक्स प्लस थ्री। ठीक है, बोला है, इनने बोला है दे आर इंक्रीजिंग ऑर्डर ले लिया हमने। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय टू एंड थ्री रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई टू से कर दो, सेकंड वाले की मल्टीप्लाई थ्री से कर दो और फोर्थ वाले की मल्टीप्लाई फोर से कर दो। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है फर्स्ट वाले का जो है फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, सेकंड वाले की सेकंड से मल्टीप्लाई करो और थर्ड वाले की थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, दे एड अप, अब इन नंबर को ऐड करना है तो क्या आएगा, 74। तो फाइंड दीज नंबर, ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो इन नंबर को ऐड करते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से टू, यहाँ से देखो एड अप है ना, इससे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, इससे पहले ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो यहाँ से वन नंबर वी टू एक्स, देखो यहाँ से टू एक्स हो गया, टू इंटू एक्स यानी कि टू एक्स प्लस, ये कितना हो जाएगा, थ्री के एक्स से मल्टीप्लाई करो, थ्री एक्स है ना, यहाँ से लिख देते हैं, थ्री के एक्स से मल्टीप्लाई तो थ्री एक्स आ जाएगा और थ्री बन जाए थ्री, यानी कि थ्री एक्स प्लस थ्री, यहाँ लिख दो थ्री एक्स प्लस थ्री, प्लस फोर की वन से मल्टीप्लाई करो यानी कि फोर एक्स हो गया, प्लस फोर की टू से मल्टीप्लाई करो यानी कि फोर टू जाए एट। ठीक है, इजिकल टू ऐड करके कितना आ रहा है, 74 हो गया ना। यहाँ से देखो, अब यहाँ पे एक्स वाई टर्म को एक साथ ऐड कर लो, लाइक ये और ये, देखो टू एक्स और थ्री एक्स फाइव एक्स, हाँ टू एक्स और थ्री एक्स कितना होगा, फाइव एक्स, फाइव एक्स और फोर एक्स कितना हो गया, हाँ देखो ये टू एक्स और थ्री एक्स, फाइव एक्स ना, फाइव एक्स और फोर एक्स कितना हो गया, नाइन एक्स, तो नाइन एक्स हो गया यहाँ से। प्लस मैं अलग करके दिखाया था ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, क्या किया, ये थ्री टू एक्स को ऐड किया और कितना ऐड किया, थ्री एक्स को ऐड किया और ये फोर एक्स को ऐड किया, सबको ऐड करके कितना आ रहा है, देखो टू टू और थ्री फाइव और फाइव और फोर नाइन, यानी कि नाइन एक्स आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यही चीज़ किया है। ठीक, यहाँ से ये इधर किया है इसको, ठीक है, इसको रेज कर रहे हैं, यहाँ से देखो नाइन एक्स आ गया और थ्री और एट कितना हुआ, इलेवन है ना, यहाँ से इजिकल टू 74, इलेवन को इधर भेज दो तो नाइन एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा, 74 माइनस 11, 74 में से 11 माइनस करो 63 आ गया, यानी कि नाइन एक्स इजिकल टू 63। ठीक है, चलो इसके आगे का कहाँ करें, आगे का कहाँ करें, आगे का कहाँ करें, एक काम करते हैं इसको रेज करते हैं। ठीक है, चलो इसको रहें तो थ्री को नहीं, इसको रेज कर देते हैं है ना। यहाँ से देखो नाइन एक्स इजिकल टू कितना है, हाँ 63, यानी कि एक्स, यहाँ से देखो एक्स इजिकल टू, ये नाइन इधर डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 63/9, यानी कि एक्स इजिकल टू कितना आ गया, नाइन, नाइन सेवन जो कितना होता है 63, यानी कि नाइन वन जा नाइन, नाइन सेवन जा, यानी कि नाइन सेवन जा, एक्स इजिकल टू सेवन आ गया। थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, एक्स, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, ये तो होते हैं थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, यहाँ से है ना, तो निकाल लो एक्स की जगह कितना है, सेवन, यानी कि सेवन कॉमा सेवन प्लस वन, यानी कि सेवन प्लस वन कॉमा सेवन प्लस टू है ना, यहाँ से सो सेवन कॉमा सेवन प्लस वन कितना होगा, एट, और सेवन प्लस टू यानी कि नाइन, ये आंसर हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।